जी हाँ, तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि चाइना ने तिब्बत का जो पीने का पानी है वो अब मालदीव्स को भेज रहा है। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। अगर हम बात करें कि भारत ने इसी तरीके से मालदीव्स की 2014 में मदद की थी, मगर 2024 में म्यूजू के अंडर मालदीव्स ने भारत से मदद नहीं मांगी, चाइना से मदद मांगी है। और चाइना ने इस चीज का रिस्पॉन्स भी किया है। जो भी इस समय मालदीव्स में पानी का संकट आया हुआ है उसको चाइना हैंडल कर रहा है तिब्बत के ग्लेशियर के पानी के द्वारा। और इस न्यूज को चाहे इंडियन मीडिया हो चाहे यूएस मीडिया हो, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल हुआ कि चाइना ने कितना पानी मालदीव्स को भेजा है। अगर हम बात करें तो चाइना ने 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख से भी ज्यादा पानी की बोतलें मालदीव्स को दी है। और ये सारा पानी तिब्बत के ग्लेशियर्स का है। ये सारी बोतलें पहले तिब्बत से शंघाई गई, शंघाई से फिर आपका मालदीव्स में गई। जो भी ये 1500 टन पानी है जो चाइना ने शिप किया है मालदीव्स को, चाइना इसके लिए एक पैसा भी नहीं ले रहा। और हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में ना तो कोई फ्री में एक भी चीज देता है, कुछ ना कुछ वो इसके बदले जरूर लेता है। और खासकर चाइना जैसी कंट्रीज तो कुछ भी फ्री में नहीं देती, वो कुछ ना कुछ तो लेती है। पर हालांकि इस बार चाइना का मकसद एक जियो पोलिटिकल गेन करने का है। और इससे पहले 2014 में जिस तरीके से इंडिया ने हेल्प की थी, अब चाइना ने रिप्लेस कर दिया इंडिया को। चाहे आप बात करें मालदीव्स के प्रेसिडेंट म्यूजू की, अगर वो सोचें कि हम हमें अगर मिलिट्री बेस देना ही है तो हम इंडिया को क्यों दे, चाइना को दे सकते हैं, क्योंकि चाइना भी तो हमारी ऐसी ही हेल्प कर रहा है और शायद उनसे इंडिया से ज्यादा बढ़कर हेल्प कर रहा है। जो भी उनके प्रोजेक्ट हैं चाइना वाले, वो जल्दी कम्प्लीट हो जाते हैं, इतना इंडिया के प्रोजेक्ट जल्दी से कम्प्लीट नहीं हो पाते हैं। और जो ये डेवलपमेंट हुई है, मैं 100% श्योर हूँ कि इस चीज को लेकर इंडिया जरूर रिएक्ट करेगा और ये इंडिया के बेनिफिट में भी और है नहीं ये पॉलिसीज जो हैं। तो ये सब क्या माजरा है मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हाँ जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बस इतना ही, चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं मालदीव से एक छोटे छोटे टापों वाला देश है, कोई ना तो वो बड़ी लैंड है उसके पास, वो एक छोटा सा टापू है। काफी सारे ज्यादा टापू है, आप कह सकते हैं 1000 से भी ज्यादा टापू मालदीव के अंडर आते हैं। कुछ हैबिटेट हैं, कुछ में लोग रह सकते हैं, कुछ में नहीं रह सकते, मतलब बहुत छोटे हैं आप। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे मालदीव्स में कोई नदी तो है नहीं, और ना ही ऐसा है कि मालदीव्स में बारिश का पानी ये लोग इकट्ठा करते हो, और फिर भी अगर बारिश का पानी ये इकट्ठा भी करते होंगे तो कितने दिन चला लेंगे, बहुत सारे काम होते हैं। तो मालदीव्स ने बहुत साल पहले एक डीसैलिनेशन प्लांट बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे डीसैलिनेशन प्लांट होता क्या है। डीसैलिनेशन प्लांट जो होता है वो समुद्र का जो खारा पानी होता है उसको पीने लायक बनाता है। हम सब जानते हैं कि भले मालदीव समुद्र के पास रहता है, वो पानी की कमी नहीं है उनके पास, पर समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता। हमें नॉर्मल पानी पिया जा सकता है, यानी कि मीठा पानी, खारा पानी हम नहीं पी सकते, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और हम मर भी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मालदीव से डीसैलिनेशन प्लांट का यूज करता है, बहुत सारी कंट्रीज यूज करते हैं, चाहे आपका यूएई हो गया, चाहे ओमान हो गया, चाहे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, जबकि ये देश तो रेगिस्तान में बसे हुए हैं और वहाँ पे, और आप सब जानते हैं कि इतनी सारी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे उनको पानी की तो जरूरत होती है, तो वो डीसैलिनेशन का उपयोग करते हैं। हालांकि ये एक काफी महंगा प्रोसेस पड़ता है, एक तरीके से हम देखें तो ये कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है कि आपने पानी प्योरीफाई कर लिया, ये काफी महंगा होता है, काफी खर्चा आता है। तो ये डीसैलिनेशन प्लांट काफी ज्यादातर आप देखोगे तो रिच कंट्रीज में मिलेगा। और इस तरह के प्लांट जो है आपका एक पॉपुलेशन को एक रिमोटली एरिया पर भी ग्रो करने में मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी अगर है तो डीसैलिनेशन की मदद से पानी वहाँ पे भी पी सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, चाहे आपका रेगिस्तान हो गया हो, चाहे आप एक टापू में हो, कहीं भी यूज किया जा सकता है। डीसैलिनेशन प्लांट से पहले मालदीव्स में बहुत कम लोग रहा करते थे, मगर आज हम देखें तो मालदीव्स में लगभग 5 लाख के आसपास लोग रहते हैं। जब से डीसैलिनेशन प्लांट मालदीव्स में लगा है तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल फंडिंग भी मालदीव्स में आई है और लोगों ने रहना भी यहाँ पे चालू किया है। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से मालदीव्स का पूरा भविष्य ही एक डीसैलिनेशन प्लांट ने बदल कर रख दिया। अगर आपके मन में ये सोच रहे होंगे तो अगर डीसैलिनेशन प्लांट में कभी खराबी नहीं आती होगी, अगर खराबी आ भी गई हो या फिर कुछ हैपनिंग हो गया या मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ये कैसे यूज करते होंगे, मतलब क्या कितने प्लांट है इनके पास। हालांकि इन पे एक ही प्लांट है जो कि माले में है। तो एक बार 2014 में यहाँ पर आग लग गई थी और ऐसा हादसा 2014 में हुआ था,
मॉल्डीव्स में उनके डीसैलिनेशन प्लांट में एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आ गई थी और मॉल्डीव्स के प्रेसिडेंट को कहीं विदेश यात्रा पर जाना था पर मॉल्डीव्स के प्रेसिडेंट को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी और वो वापिस माले आए और इसके बाद उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर ये ठीक नहीं हुआ डीसैलिनेशन प्लांट तो उनकी बड़ी आबादी जो है 5 लाख के आसपास लोग प्यास से मर जाएंगे। तो उस वक्त इंडिया ने मॉल्डीव्स की मदद की थी। उस टाइम पे 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है मोदी जी ने संभाला था तो कुछ ही महीने हुए थे तो उन्हीं महीनों के अंतर्काल में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मॉल्डीव्स को मदद भेजी थी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये किस ऑपरेशन के तहत मॉल्डीव्स को इतना सारा पानी पहुंचा गया था। तो इस ऑपरेशन का नाम था नीर। इस ऑपरेशन के तहत भारत की वायुसेना ने और हमारी नेवी ने नीर ऑपरेशन के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने हर तरीके से मॉल्डीव्स को पानी पहुंचाने की कोशिश की थी। जब मॉल्डीव्स ने इमरजेंसी कॉल सारी कंट्रीज को की थी कि हमारे यहाँ डीसैलिनेशन प्लांट खराब हो गया, हमारी हेल्प कीजिए, ना ही आपका यूएसए ना ही चाइना, जब बस कुर्सी पे बैठ बैठ के उन्होंने ये कह दिया हाँ हाँ हम देखते हैं हम कुछ करते हैं, ना ही यूरोप किसी ने भी मदद के लिए नहीं आए, 1-2 मिलियन भेज देते हैं। पर इंडिया ने फुल फ्लैज्ड एक ऑपरेशन मॉल्डीव्स के लिए लॉन्च किया जिसके तहत हमने बहुत सारा पानी मॉल्डीव्स को पहुंचाया। मगर अब 2024 में काफी ज्यादा समीकरण बदल चुके हैं। अब आप देखें तो चाइना मदद कर रहा है मॉल्डीव्स की, क्योंकि मॉल्डीव्स ने के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ ज्यादा ही इंडिया के बारे में उन्हें ये लगा कि भाई हम किस मुंह से मदद मांगे क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही आगे बोल दिया, तो इसी वजह से मॉल्डीव्स ने चाइना से मदद मांगी और बोल दिया। तो अब चाइना ने उस टाइम ये नोटिस किया होगा कि इंडिया ने उस टाइम 2014 में कैसे एक फुल फ्लैश्ड ऑपरेशन लॉन्च किया था मॉल्डीव्स की पानी को इस संकट को, तो इस बार चाइना ने ये निपटने के लिए काम किया है और चाइना ने ये जिम्मा उठाया है। हालांकि जब से म्यूज हुआ है उससे पहले मॉल्डीव्स का जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज थे मॉल्डीव के साथ आप कहें तो एक मजबूत थे, मगर काफी ज्यादा अब की बार मॉल्डीव्स के प्रेसिडेंट ने ये सारे डिप्लोमेटिक टाइज ऊट पटांग स्टेटमेंट दिए तोड़ के रख दिए, हालांकि उन्होंने काफी ज्यादा। और अगर हम बात करें तो चाइना की तो मॉल्डीव्स तो वैसे ही के जो उनके प्रेसिडेंट है वो काफी प्रो चाइना है, तो हालांकि उन्होंने इस बार एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया मॉल्डीव्स के साथ। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना को मॉल्डीव्स के लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनको उनसे प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है, बस चाइना एक मौका चाहता है कि इंडिया को एक चेक में रख सके, एक जियोपॉलिटिकल फायदा उठा सके, इसलिए ये सब मॉल्डीव्स के लिए चाइना कर रहा है। वैसे चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे एक छोटे टापू में, बस वो इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया को चेक में रखने के लिए, इंडिया पर नजर रखने के लिए ये सब मॉल्डीव्स के लिए चाइना कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे चलकर कुछ और भी डेवलपमेंट होती है तो मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए अलविदा एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।